नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एयर होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से जयपुर की प्राइम लोकेशन यानी कि कालवाड़ रोड पर, फिर से मंगलम सिटी के अंदर गोविंद सरोवर में, फिर से मैं आपके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बीच में ये कॉल करके नहीं पूछना कि आपने वीडियो में बताया नहीं है, वीडियो में सारी चीज़ बताई जाती है दोस्तों, सब कुछ बताया जाता है। बस गलती इतनी सी हो जाती है आप लोगों की, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग नहीं देखते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों। मैं ये जो मैं आपको फ्लैट बताने जा रहा हूँ, ये 3 BHK फ्लैट जो कि पेंट हाउस है, यानी कि सबसे टॉप पे बना हुआ है, और बाहर से मैं लोकेशन बता रहा हूँ छत की, कि छत पे बना हुआ है दोस्तों, छत की लोकेशन बता रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी है कि यहाँ पर लोकेशन मिल जाती है। बाहर का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाहर से व्यू देख सकते हैं सर, सब जगह जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, पूरा बसावट वाला एरिया है। ये जयपुर की प्राइम लोकेशन मंगलम सिटी में स्थित है। 7000 रोड से अगर मैं बात करूँ, रोड से ये इसकी कनेक्टिविटी जो है 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से अगर मैं बस स्टैंड की बात करूँ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पिटल्स की बात करूँ या फिर अदर एम्यूनिटीज़ की बात करूँ तो मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में सारी ही एम्यूनिटीज़ आपको प्रोवाइड हो जाती है। जिम हो गया, स्कूल हो गया, इसके अलावा पुलिस स्टेशन हो गया, इसके अलावा आपके अदर एक्सवाइजेड जो भी एम्यूनिटीज़ हैं, सब कुछ आपको 1 किलोमीटर के दायरे में जो यहाँ पर मिल जाती है। छत आपने देख ली है, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने 3 BHK फ्लैट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिफ्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिफ्ट देखिए, लिफ्ट चालू है, और जो है ये टॉप फ्लोर पर मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पेंट हाउस है। प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत ही डिसेंट प्राइस के साथ में आपको मैं 3 BHK फ्लैट दूंगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ में। लोगों के लिए अफोर्डेबल के कई सारे मायने होते हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको रियली में अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैट लेना है। हवा का शायद इको आपको आ रहा हो, क्योंकि ऊपर की साइड का फ्लैट है तो हवा बहुत अच्छी यहाँ पर आती रहती है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता रहता है। अब जैसे आप एंटर करें हैं फ्लैट के अंदर, तो काफ़ी एक बड़ा स्पेसिस के साथ में आपको हॉल मिल जाता है। हॉल का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप इसे लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया की तरह, दोनों की तरह यूज़ ले सकते हैं। टॉप साइड में काफ़ी एक अच्छी फोर सीलिंग यहाँ पर मिल रही है, डिजाइनेबल फोर सीलिंग यहाँ पर मिल रही है। साथ ही टॉप साइड में यहाँ पर आपको काफ़ी एक अच्छा टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है। LED लाइट हमारे द्वारा लगा करके दी जाएगी, काफ़ी सारे पैनल्स यहाँ पर जो है लाइट्स के दिए गए हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। यहाँ पर सेपरेटली AC का पॉइंट दिया गया है। इस तरफ भी आपको स्विचेस काफ़ी सारे दिए गए, काफ़ी अच्छी कंपनी के स्विचेस यूज़ किए गए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 BHK फ्लैट जो कि मंगलम सिटी आनंदम जयपुर की प्राइम लोकेशन कालवाड़ पर स्थित है। प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। 1100 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये बिल्डअप एरिया है। रूम इसमें 3 बने हुए हैं, इसके अंदर 2 आपको बाथरूम मिलेंगे, बाथरूम भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले रूम की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो पहला रूम की अगर साइज की बात करूं तो 11x10 का ये रूम काफी बड़े स्पेसेस के साथ में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है टॉप साइड में काफी अच्छी फोर सीलिंग यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, काफी येलोइश और क्रीमिश शेड दिया गया है। यहाँ पर अलमीरा आपको मिल जाती है, अलमीरा का सेक्शन मिल जाता है, काफी बड़ी एक अलमीरा यहाँ पर आपको मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको विंडो दी गई है, जिससे कि आपका प्रॉपरली वेंटिलेशन होता रहे और सनलाइट आपके आती रहे, और दिन में आपको लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आपको AC का पॉइंट मिल जाता है, ऊपर की तरफ फैन लगा करके दिया जाएगा। तो ये इसका पहला रूम था जो कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ जो कि इसके जस्ट पास में टच करके है। लेकिन चलते चलते आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, लाइक करना है वीडियो को, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों इसका ये दूसरा रूम आ गया। रूम की बात करूँ, रूम के साइज की 10x11 का ये काफी बड़ा एक रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेपरेटली AC का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विंडो दी गई है जिससे कि आपको प्रॉपरली यहाँ पर वेंटिलेशन होता रहे। सामने की साइड में आपको जो है टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, येलो कलर का टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, ऑरेंज कलर का टेक्सचर डिजाइन दिया गया है। काफी एक अच्छा जो है डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमारे द्वारा पंखे लगा करके आपको दिए जाएंगे, लाइट्स लगा के दी जाएगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयपुर की प्राइम लोकेशन मंगलम सिटी आनंदम में आपको ये मिल जाता है, गोविंद सरोवर में आपको ये मिल जाता है। काफी प्राइम लोकेशन है जयपुर की, मैंने आपको लोकेलिटी यहाँ की बता दी है और आपको एमिनिटीज बता दी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे रूम की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कॉमन में भी यहाँ पर बाथरूम मिल रहा है जो कि हॉल के अंदर है। यहाँ पर देखिए साइज की बात करूँ तो काफी एक अच्छा साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है, साइज काफी अच्छा है। यहाँ पर साथ साथ वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर काफी अच्छी एक जगह दी गई है, जिससे कि आपका प्रॉपरली वेंटिलेशन हो सके और आप जो है एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है सेपरेटली यहाँ पर सिंक दिया गया है, जिससे कि आप अपना हैंड वॉश वगैरह कर सकें, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेपरेट बिल्कुल अंदर डिसेंटली यहाँ पर दिया गया है, ताकि वो किसी भी जगह को डिस्टर्ब ना करे आदमी। अब मैं आपको तीसरे रूम की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि तीसरा रूम किस तरीके से हमने जो डिज़ाइन किया है। ये तीसरा रूम है दोस्तों, इसका साइज़ की बात करूँ तो 11x10 का ये काफ़ी बड़ा रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है।
सामने की साइड में आपको टेक्सचर डिजाइन दिया गया है, काफी एक अच्छा डिजाइन दिया गया है। बार बार आपको आवाज आ रही है क्योंकि ऊपर हवा, अच्छी खासी हवा चल रही है। यहाँ पर आपको जो है अलमीरा यानी कि वार्डरोब्स मिल जाती है। इस तरफ में आपको बलकनी दी गई है जिससे कि प्रॉपरली वेंटिलेशन और सनलाइट आपके पास में आती रहे। तो ये इसका रूम हो गया। अब मैं आपको बालकनी की तरफ ले चलता हूँ। बालकनी का साइज देख लीजिए, काफी एक अच्छा डिसेंट साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये इसके बालकनी का साइज हो गया, देखिए दोस्तों काफी अच्छा एक साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपरली आपको बैक साइड में जगह मिल रही है जहाँ पर काफी सारे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफी डेवलपिंग एरिया है कालवाड़ रोड। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, वो आपको टैंक दलाना पड़ता है पानी के लिए, जो कि 300 रुपये समथिंग का यहाँ पर मिलता है और इजिली 20 से 25 दिन चल जाता है। अब मैं आपको इसमें जो है बाथरूम जो आपको मिल रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाथरूम देखिए, बाथरूम में आने से पहले कितना अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप इसको जो है अपने ड्रेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं, अपने कमोड की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक सेपरेटली यहाँ पर आपको एरिया मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर की तरफ में आपको बाथरूम मिल रहा है। बाथरूम का साइज देख सकते हैं, काफी एक अच्छा डिसेंट साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है। काफी एक अच्छा साइज के साथ में आपको बाथरूम मिल जाता है जिसमें कि पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है और यहाँ पर जो है आपको कमोड मिल रहा है। तो ये था 3 BHK फ्लैट जो कि जयपुर की प्राइम लोकेशन मंगलम सिटी गोविंद सरोवर में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको प्राइस का रिवील करूंगा। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो आपको इसका मिलने वाला है 15.5 लाख रुपए यहां पर आपको मिलने वाला है। 15.5 लाख रुपए में आपको ये फ्लैट अपना बना सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस पे जो है आपको 80-70% तक लोन हो जाएगा क्योंकि ये जो फ्लैट है दोस्तों ये पेंट हाउस है, इस पे लोन थोड़ा कम होता है मगर ये JDA अप्रूव्ड है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने सपनों का घर लेना AR Homes के साथ तो अभी कॉल कीजिए। स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मिल जाएंगे। आई होप सबको बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। कॉल कीजिए अभी और अपने सपनों का घर AR Homes के साथ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।